हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ नीचे अभी थोड़ा सा लाइट नहीं जल रही है, इसलिए शायद फेस मेरा साफ नहीं आ रहा होगा। और आप देख सकते हैं आज मैंने आईज पे काजल अप्लाई किया है। मोस्टली मैं नहीं करती हूँ थोड़ा सा, लेकिन जब मन करता है तो फिर कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है फेस और थोड़ा सा अलग दिखता है। इस टाइम तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं जब बाहर निकलती हूँ तो फेस पे थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करके निकलती हूँ। और अभी नीचे यहाँ पार्क में फ्लैट में जो कुछ लेडीज़ हैं वो रेगुलर योगा करती हैं, और एक आंटी हैं वो सिखाती हैं, और शी इज़ वेरी ट्रेंड रिलेटेड टू द योगा एंड शी नोज़ ऑल द योगा, मीन्स कैसे किया जाता है, कैसे सांस लेते हैं। तो एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप एट द 4 o'clock, देन मैं देखती हूँ कि वो हमेशा वॉक कर रही होती हैं अपने हस्बैंड के साथ में, एंड शी इज़ वेरी पंचुअल अबाउट द टाइम। एंड मैं अपनी बालकनी से उनको मतलब झांक के देखती हूँ, तो मोस्टली मुझे वो वॉक करते हुए दिखाई देती है, तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ मैं अकेली नहीं उठी हूँ, कोई और भी है जो उठ चुका है। बट इतना मेरे पास नहीं टाइम होता है कि मैं नीचे उतर के जाऊँ और 2-3 राउंड मैं लगा लूँ और उसके बाद फिर मैं ऊपर आके अपना काम फिनिश करूँ, क्योंकि टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस यही सारा शेड्यूल मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन योगा करना चाहिए। अभी जब हमारे स्कूल में 4 डेज़ का प्रोग्राम रखा गया था फॉर द टीचर्स, 7 o'clock से स्टार्ट होता था और 8:30 तक हम लोग योगा करते थे, तो उसमें एक मतलब बॉडी को एक अलग रिलैक्सेशन मिलता था कि हम महसूस करते थे कि हाँ मतलब अगर हम रेगुलर इस चीज़ को जारी रखें तो कितना अच्छा रहेगा हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए। बट उसके बाद सोचा है लेकिन अभी भी स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ, जबकि सर ने खुद बोला था कि आप लोग प्लीज़ रेगुलर करिएगा वरना यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन हाँ एक बात मैं और कहूँगी, जितने अच्छे से वो सर ने सिखाया था जैसे लग रहा था कि सच में कोई योग गुरु सिखा रहा है, बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया हम लोगों को, एंड शी नोज़ ऑल एंड ही नोज़ ऑल योगा वेरी वेल, वो भी बहुत अच्छे से योगा जानते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने उनसे शेयर भी की थी कि सर आप बहुत अच्छे से सिखाते हो हमें। और आज अभी यहाँ पे सूरज भगवान नहीं निकले हैं, थोड़ा सा मौसम लग रहा है। मैं आप लोगों को अभी आंटी लोगों की पिक्स शेयर करती हूँ, दिखा रही हूँ वो लोग कैसे योगा कर रहे हैं। मैं यहीं से लूँगी क्योंकि वहाँ जाके थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच। बताया कि आंटी बहुत अच्छे से सिखाती हैं, तो आंटी की प्रैक्टिस चल रही है और मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही हूँ। केरी सो रही थी, और पता है केरी को मुझसे कोई मतलब नहीं होता, उसको उसके पापा मिलने चाहिए बस। तो कल मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी जब केरी उठती है तो क्या मुझे याद करती है? मम्मी कहने लगी बिल्कुल भी नहीं, बस हेमू यानी कि इसके साथ फादर जो है वो जब ऑफिस जाएँ तो इसको गले लगा के जाएँ और बोले कि जब मैं शाम को आऊँगा तो कुछ ना कुछ लेके आऊँगा, फिर वो कुछ नहीं बोलती, बस आराम से हो जाती है। लाइफ चल रही है और एंजॉय कर रही हूँ, जगह को भी और स्कूल को भी अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ और नए माहौल के साथ, नए शहर के साथ। तो आप लोग प्लीज़ प्यार बनाए रखिए, जहाँ पे गलतियाँ करूँ वहाँ पे बताते रहिए, और कोशिश डेली करती हूँ कि डेली ब्लॉग अपडेट करूँ, बट कभी कभी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।